महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं BHU से संबंधित सारा आपको अपडेट देते हुए आता हूँ। तो फिलहाल देखिए, आप सभी की 2-3 क्वेरी थी जिसको लेकर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आया और इनसे क्वेश्चन किया और आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला जो आपका डाउट ये था कि भैया हमारा जो पेमेंट सेक्शन है उसमें 00 दिखा रहा है, उसका क्या मतलब है। ओ माई गॉड भैया, वी आर इन टेंशन, क्या होगा भैया बताइए। तो मैं बता देता हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। वो 00 का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपने जब कमिटमेंट फीस पेमेंट किया था तो आपको पता है कितना फीस पेमेंट किया था, आपको याद है? 2500 फीस पेमेंट किया था। और BHU की जो फीस है, लगभग अगर मैक्सिमम कोर्सेज की जो आप फीस देखिएगा वो कितना होता है, 2500, 2200, 2900 लगभग यही फीस होता है, ठीक। तो इसका मतलब 00 का मतलब ये हो गया कि आपने फीस पेमेंट कर दिया है, आपका फीस उसी में एडजस्ट हो गया। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे में 00 दिखा रहा है तो क्या मेरा आपको दोबारा पेमेंट करना है कि नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, आपने ऑलरेडी कमिटमेंट फीस जो पेमेंट किया था पहले, वही चीज़ एडजस्ट हो रहा है। अब जब BHU का एक ब्राउचर खोल के देखेंगे अपने कोर्स का फीस, तो उसमें आप पता चल जाएगा कि आपके कोर्स का फीस कितना है, ठीक। आप तो जिन भी बच्चों ने 2500 पेमेंट किया है और उनके कोर्स में 00 करके दिखा रहा होगा, यानी कि आपने कमिटमेंट फीस पेमेंट कर दी है और उसी में जो है आपका रेगुलर फीस BHU का भी फीस एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। 00 का मतलब वो ये हो गया कि आपका एडमिशन हो गया है, सिलेक्शन हो गया, ठीक है, परेशान मत होइए। दूसरा चीज़ जो डाउट आ रहा था बहुत सारे ऐसे बच्चों का कि भैया देखिए, कॉल लेटर किनको किनको गया है और एडमिशन लेटर किनको किनको गया है। तो एडमिशन लेटर जो गया है ये उन बच्चों को गया है जिनके में कोर्स कॉम्बिनेशन नहीं था, यानी जैसे BCOM हो गया है आपका, BLLB हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर का हो गया, तो इन सब के बच्चों को जो है चला गया है। अब आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अब आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आपको दिया होगा कि इस दिन जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको आके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू, आप लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब मान लीजिए ये तो आप डेट दे दिए 3-4 दिन के बाद, अब आप पता नहीं कहीं जम्मू खड़े होंगे, कहीं बैंकॉक में होंगे, स्विट्जरलैंड में, मान लीजिए केरला में है, कहीं बहुत दूर दराज हैं, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आने में समस्या होगी, तो आप बहुत हो सकता है कि हड़बड़ा जाएंगे कि अरे हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल होगा? कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आप 1-2-3-4 दिन बाद भी आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जल्दी हो रहा है, तो ये भी आपको टाइम देंगे, ठीक है। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी मत घबराना कि अगर मैं उस दिन डेट पर नहीं पहुँच पाते हैं तो हो सकता है कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए, एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने उनको बता दिया जिनका डायरेक्ट कॉल एडमिशन लेटर चला गया है। अब तीसरी हम बात कर लेते हैं कोर्स कॉम्बिनेशन को लेके, जिन भी बच्चों का कोर्स कॉम्बिनेशन जैसे BA आर्ट्स हो गए या BA सोशल वाले हैं, तो आप लोग का भी प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग अपना प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म अभी भर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग को प्रीफ्रेंस अलॉटमेंट होगा, ठीक है। जब आप प्रीफ्रेंस अलॉटमेंट कर देंगे, प्रीफ्रेंस अलॉटमेंट करने के बाद अब आप लोग को उसमें सिलेक्शन लेना होता है कि आप लोग को कौन सा प्रीफ्रेंस अलॉट हुआ है। जो भी आपको प्रीफ्रेंस अलॉट होगा उसके फिर आपको जो है पेमेंट करना होगा, फिर आप अपना पेमेंट करिएगा। अगर आपका पेमेंट ज़्यादा होगा तो फिर आपको जो है पेमेंट अलग से करना होगा, अगर आपके कोर्स का पेमेंट कम रहता है तो उसी में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने कमिटमेंट फीस 2500 पेमेंट किया है और कोर्स फीस तो 1900 है, तब क्या करना है? तो उस वक्त ये होगा कि आपका जो 600 एक्स्ट्रा जो लगा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हालांकि मैं अभी देखिए सेंट्रल ऑफिस है जहाँ से पूरी प्रक्रिया यहीं से की जाती है और एडमिशन कमेटी यहीं बैठती है, तो सारा चीज़ आपको पता करके मैंने बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट लगता है कि नहीं भैया इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मॉपअप राउंड के बारे में जो है मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। BHU से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं छूटेगा, कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगा तो बस चैनल पर देखते रहिएगा, ठीक है। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सारे।